brought to you by Physics Wala. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। बिहार में आए दिन तमंचे पर डिस्को करते हुए फोटो और वीडियो वायरल होते जा रहा है। आए दिन किसी शादी या किसी भी फंक्शन में बिहार में ऐसे वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रही है, और जब वीडियो वायरल हो रहा है तो लोगों का मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई जगह के कई नामी हस्तियों से लेकर बिहार के लोकल नेता तक सब ऐसे वीडियो डाल रहे हैं जिसमें रिवॉल्वर लिए हुए महिला डांस करते नजर आ रही है। ये पिस्टल या कोई भी हथियार लहराना गैर कानूनी है, और ऐसे में वायरल वीडियो अगर चलते हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर ऐसे में मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो सजा भी हो सकती है, और अगर जोश जोश में गोलियां चल जाती हैं तो कभी सोचा है आपने खुशी के माहौल में मातम पसर जाएगा। इस वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि एक युवक दो डांसर को अलग अलग पिस्टल देकर नचा रहा है। एक डांसर युवक की खोपड़ी पर पिस्टल सटा रही है। 30 सेकंड के इस वीडियो को रील के लिए बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वीडियो जिले के इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र के गरणी गांव का है, जहां शादी समारोह के दौरान एक युवक डांसर को जमकर ठुमके लगा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उधर पुलिस ने भी युवक की पहचान को लेकर जांच शुरू कर दी है, साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 23 अप्रैल की रात को एक वैवाहिक समारोह के दौरान बनाया गया था, जिसके कुछ ही देर बाद इसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंच गया। और पुलिस आगे इस पर क्या कुछ कहती है, सुनिए। कल ही जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई है कि कुछ पिस्टल डांस यहाँ पे किया गया है, उसका वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं कि कहाँ तक वो घटना जो है हमारे इलाका का है कि बाहर का है या कब का है, सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। जैसा भी होगा हम लोग प्रतिवेदित करेंगे। इस मामले की जाँच पुलिस कर रही है, साथ ही संबंधित युवक की तलाश भी जारी है, और जाँच पूरी होने के पश्चात प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि इस तरह के हथियार लहराना गैर कानूनी है और इस पर पुलिस संज्ञान ले रही है। ये थी बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।